और उन्होंने ये 70 पॉइंट का एक्शन प्लान दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए निकाला गया। ये सब हाथ की भेंट चढ़ गया। पिछले 4 साल के अंदर केजरीवाल ने एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया है 70 के अंदर से। अगर आप ले लें सीसीटीवी कैमरे, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की थी? 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की थी, 1 लाख भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। बात करी फ्री वाईफाई देने की, और कहीं पर भी फ्री वाईफाई नहीं दिया गया युवाओं के लिए। उन्होंने बात करी अस्पताल कॉलेज खोलने की, एक भी नया अस्पताल नहीं, एक भी नया कॉलेज नहीं। 500 स्कूल खोलने की बात की, एक भी स्कूल नया नहीं खोला गया, कोई बेड तक भी नहीं बढ़ाए गए अस्पतालों के अंदर। ये समझ लीजिए, केजरीवाल ने दिल्ली की आज जो सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की, उस पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया, ना डस्ट के ऊपर काम किया, ना वो जो मशीनें आनी थी उस पर काम किया, ना छिड़कावों के लिए बात किया, ना इंडस्ट्रियल जो डस्ट थी उसके ऊपर बात किया। और आज दिल्ली दुनिया की सबसे बड़े प्रदूषित शहर हो गया। बोलिए केजरीवाल, सबसे प्रदूषित शहर हो गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली को स्लम बना दिया गया है। झुग्गी झोपड़ियों में इन्होंने कहा था कि हम 2 लाख टॉयलेट बनाएंगे, 2 लाख टॉयलेट, और आज उन्होंने 2 लाख टॉयलेट तो क्या, 200 टॉयलेट भी दिल्ली के अंदर नहीं बनाए। एमसीडी को काम करने नहीं दिया गया। और आज कहते हैं कोई भी अगर आप फील्ड देखेंगे, चाहे कोई भी फील्ड अगर आप देखेंगे, चाहे वो ये जन लोकपाल बिल है, जन लोकपाल बिल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके लीगल डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है। महल्ला सभाओं के बनाने की उन्होंने बात की थी, एक महल्ला सभा का कहीं निर्माण नहीं हुआ, ना उनको एम्पावरमेंट किया गया। दिल्ली को इलेक्ट्रिसिटी बिल अब इन्होंने फिक्स चार्जेस के ऊपर लेकर बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। पानी के अंदर 2018 में 20% के रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पावर डिस्कॉम्स का सीएजी ऑडिट नहीं हुआ है। पावर स्टेशन बनना था, पावर स्टेशन बना नहीं है। सोलर सिटी बननी थी दिल्ली को, सोलर सिटी नहीं बनाया गया है। और पानी को लेकर आज पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि पूरी दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है। तो और इसके साथ साथ 10,000 बसों के लाने की बात की थी, कोई 10,000 बसें नहीं आई है। यमुना के ऊपर काम नहीं हुआ, प्रदूषण के ऊपर काम नहीं हुआ, टॉयलेट्स के ऊपर काम नहीं हुआ। 20 नए कॉलेज खोलने की बात थी, 20 नए कॉलेज नहीं खुले। और जो ये ड्रग्स दिल्ली के अंदर, आज ड्रग्स जो है झुग्गी झोपड़ियों में छा गए हैं। पंजाब में शोर मचाते हैं, पर दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। सबसे बड़ी महिलाओं की सुरक्षा, ना मार्शल, ना गार्ड्स, ना कोई किसी प्रकार का प्रबंध किया गया, ना होम गार्ड्स की किया गई। गांवों के अंदर इन्होंने कहा था सेक्शन 33 और 81 को हटाएंगे, गांवों के अंदर ना लाल दौरा बढ़ाया और ना सेक्शन 33 और 81 को बढ़ाया। इसी तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र सरकार ने तो दाम घटाए, पर इन्होंने दाम नहीं घटाए। और 8 लाख जॉब्स इन्होंने क्रिएट करने की बात की थी, कितने की है वो यही बता सकते हैं। ई रिक्शा के लिए कोई पॉलिसी नहीं। और सबसे बड़ी बात, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज जो करने की बात की, वो रेगुलराइज करना तो दूर, उन्होंने रुकावटें पैदा की ताकि केंद्र सरकार कुछ ना कर सके। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में दिल्ली की समस्याएं अब तभी हल होंगी जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी और दिल्ली में भी सरकारें तालमेल करेंगी। वो कहते हैं आज वो एक पॉइंट के ऊपर हमारा मैनिफेस्टो जला रहे हैं, कहते हैं पूर्ण राज्य को दर्जा नहीं दिया। हम पूर्ण राज्य के दर्जे के हिमायती हम चाहते हैं मिले, पर अगर ऐसा अनार्किस्ट, ऐसा अराजकतावादी मुख्यमंत्री हो जो गणतंत्र दिवस की परेड को रोके, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के उसको रोके, जो केंद्र सरकार और एमसीडी के साथ झगड़े करे, जो दिल्ली के अंदर विकास नहीं करे, तो आप समझ लीजिए फिर पूर्ण का राज्य
राज्य के दर्जे का मतलब है बंदर के हाथ में उस्तरा देना, पुरानी कहावत और पुराना मुहावरा है। इसलिए दोस्तों, और ये तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम इसका बात का फैसला करवाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ अधिकार रहेंगे। कुल मिलाकर आज हम केजरीवाल के इन 70 वायदों को, जो 70 पॉइंट एक्शन प्लान है, इसको हम धुआं दिखा रहे हैं इस बात के लिए कि आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसी सरकार झूठे वायदे ना करे जिसके कारण दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो। दिल्ली को आज बर्बाद कर दिया है, इसलिए हमने नारा दिया है केजरीवाल भगाओ, केजरीवाल भगाओ, केजरीवाल भगाओ, केजरीवाल भगाओ, केजरीवाल भगाओ। दिल्ली के अंदर 700 सीट पर केजरीवाल हारेंगे। आज आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित के सामने, कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो रही है, उसी कांग्रेस के सामने जिसको ये कहती, जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग चुनकर आए थे, उसी कांग्रेस के सामने जिसकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल में भेजने की बात करते थे, और अब जब कांग्रेस ने इनके साथ समझौता करने से मना कर दिया, तब कहते हैं हम बिना उनके गठबंधन के 7 की 7 सीटें जीतेंगे। दरअसल तो ये 7 की 7 सीटें हारेंगे, और दिल्ली में 7 सीटें जीतेगी बीजेपी, 7 सीटें जीतेगी बीजेपी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमारे जयप्रकाश जी ऐलान करेंगे जलाने का। गोयल साहब झूठ के फुसले को फूकेंगे, जो 70 वादे उन्होंने दे रहे हैं। केजरीवाल, 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 Everyone! 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 Every
केजरीवाल 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 केजरीवाल